पदम कुमार जैन है, ये गाली में रहते उन्हों। तीन साल का पहले हमारा फैमिली दोस्त है इन्हों भी। तीन साल का पहले मेरे कहने आके मैं श्रीराम चिट फंड में मैं चिट्ठिया डाला भाई, मेरे कहने ऑलरेडी तीन चार चिट्ठियाँ मेरे कहने है, फिर मेरा नाम पे डाले तो नहीं देते बोल के एक और एक औरत का नाम, उसका नाम रेबाका मैडम है, उसका नाम पे चिट्ठी डाले उन्होंने, मेरा फैमिली फ्रेंड है बोल के चिट्ठी डाला उनसे उसका नाम से चिट्ठी 25 लाख का चिट्ठी श्रीराम में दो चिट्ठी उठा के मेरे कहने शूटी लगाया उन्होंने, मेरा फैमिली फ्रेंड है के मई लगा के और मेरा दोस्तों से एक अली साहब बोल के ऐसे हिसाब से लगाया और एक टीचर लावण्या बोल के लगाया, पूरा तीन शूटी लगा के उन्होंने बिड ले लिया श्रीराम से, बिड पैसा ले लिया उन्होंने पूरा इन्होंने ले उन्होंने पैसे लेके इनको दिया बोल के इन्होंने बोला इन्होंने पहले बोले मैं बिनाम पे डाल रहा हूँ बोल के, अभी चिट्ठियाँ नहीं भर रहा रेगुलर पेमेंट हो, अभी श्रीराम वाला कोर्ट को जाके हम छुट्टी लगाए ना मेरा घर का ईपी अटैचमेंट करा, हमारा घर 1 CR का घर ईपी अटैचमेंट करा और आबेद अली बोल के SI साहब का सैलरी 24,000 रुपीस लेस हो रहा अभी 250 महीने से सैलरी में अटैचमेंट कर दिया और लावण्या बोल के उन्होंने बहुत गरीब बच्ची है टीचर है उसका भी सैलरी 24,000 लेस हो रहा, अभी उन्होंने आपका सूरत लेके हम छुट्टी लगाए ना साहब आपका चिट्ठी बोले ना अब पेमेंट नहीं भर रहा उन पैसा हो रहा घर पर प्रॉब्लम हो गया घर सीज हो गया और वो लोगों का SI का सैलरी अटैचमेंट हुआ और लावण्या मैडम का सैलरी अटैचमेंट हुआ बोल तो उन्हें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, अब हेल्थ अच्छा नहीं है बोल रहा वो नहीं है और तकरीबन उन्होंने फाइनेंस का धंधा कर रहा अभी चिट्ठी पेमेंट क्लोज करके हमारे NOC दिलाओ बोलो तो मैं नहीं करता हूँ उसके ना जाके वसूल करूँ मैं वसूल करूँ बोल के बोल रहा था। क्या नाम है इनका? उसका नाम पदम कुमार जैन है, उन्हें किंगकोट में कारों का फाइनेंस धंधा करता अच्छा वेल सेटल है उन्होंने, अभी पैसा पे उन्होंने होना बोलो तो 3-4 दिन में पेमेंट करने वाला ही थे उन्होंने मगर पेमेंट नहीं कर रहा जाके मैडम कहने वसूल करो बोल के बोल रहा लीगल एक्शन के लिए उसका ऑलरेडी मैं 2 बार 3 बार लीगल एक्शन कोटेश्वर बोल के श्रीराम कहने बुलाया उन्होंने इन्हों भी आया आके हम पैसा पूरा सेटल करके बोल के एक हफ्ते टाइम दे बोला हमको नोटिस कोर्ट से नोटिस है भैया कोर्ट से नोटिस है हाँ व्हाइट कैश दिया श्रीराम चिट्स वाला क्या व्हाइट देते हाँ हम लोग उसको रिक्वेस्ट कराए ऑलरेडी केस रजिस्टर हुआ ऑर्डर दिया कोर्ट ऑर्डर दिया केस नहीं है कोर्ट वो लीगल है ना साहब बोले सिविल कोर्ट में होता कोर्ट में होता ऑलरेडी एक ऐसे साहब शूटी लगा मैं बोले तो कोर्ट ने ऑलरेडी ईपी अटैचमेंट हमारा घर का अटैचमेंट उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ घर है ना घर अटैच कर दिया घर अटैच कर दिया मेरा उन्होंने घर खाली कर दो बोलो बोल घर पब्लिक में लगा के घर बेच देते कहते अभी हम लोग रोड पे आ जाता ना साहब उसका सूरत देख के हम लगाए वो पूरा 3 आदमी है मेरा प्रतिमा रेड्डी मेरा मिसेस का श्योरिटी एक है टोटल अभी 42 लाख बनो बोल के श्रीराम वाला नोटिस दिया ऑलरेडी सैलरी अटैचमेंट S1 श्योरिटी 1 SI साहब के अटैचमेंट हो गया ऑलरेडी लावण्या का अटैचमेंट हो गया अभी मेरा घर ईपी में लगा दिया उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दे रहा जाके उसके बात करो बोला श्योरिटी लगाया सर मेरा चिट्ठिया में बिना में डाले बोल के बोला इसका श्योरिटी नहीं है ना साहब इन्होंने बिना में चिट्ठी उठा लिया उन्होंने दोनों एक ही है अभी बोल रहा उन्होंने मेरे से बात नहीं कर रहा हूँ मैडम मैं उसूल करके दे तुम बोल के बोल रहा मगर नहीं आ रहा बाहर नहीं कर रहा इनका कुछ अलग चक्कर था होगा मैडम के नाम पे उठा लिए उठा लेके इन पैसे उठा गए मैडम का नाम क्या है रेबाका मैडम है मैडम का नाम श्रीराम चिट्स में उन्होंने अभी घर खाली कर दिया पुराना घर साहब अभी तो एस राव नगर में है बोल के इन्हों बोल रहा मैं कुछ जाके घर को जाके मैं वसूल करके दे तुम बोल के बोल रहा हूँ मैडम फोन मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया पूरा इनसे अभी बात हो तो अभी थोड़ा बाहर है मैं कल आ तुम परसों उसके जाएंगे बोल के बोल रहा बस इसका यही घर है उसका मलक पेट का है मकान का पेट है साहब मोर का पीछे मुसराम बाग मलक पेट मोर का पीछे घर है आप कौन सी PS में कंप्लेंट करें PS का कंप्लेन है सिविल कोर्ट है ना कंप्लीट चिटफंड एक्ट का हिसाब में वो लोग गया मैं दो साल के पहले सेटलमेंट कराओ बोलो तो 1 महीने टाइम दे बोला इसका तबीयत ठीक नहीं है बोल के बोला था उन्होंने ठीक है ओके सर थैंक यू ओके सर थैंक यू।